Hey guys, welcome to Jimmy and Mommy. अरे ये कौन है, ये कौन है भाई, ये कौन आ गए हमारे यहाँ आंगन में, कौन है ये? देखिए, जय भोलेनाथ, जय नंदी भगवान। ये तो गैया है छोटी सी। ये गैया नहीं, नंदी महाराज है, नंदी महाराज। रोटी खा रहे हो नंदी महाराज जी? मजा आ रहा है भाई। ये भगवान, नंदी भगवान का स्वरूप हमारे आंगन में पधारे। पता नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर इनका रंग रूप, बहुत ही मतलब सीधे, यानी ना ये हमसे डर रहे थे ना हम इनसे डर रहे थे। मस्त जिम्मी के पापा से ये मस्त लाड़ लड़वा रहे थे। रोटी पानी खाई इन्होंने। आइए आगे देखें कितना यानी सुंदर नज़ारा है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था ना। और पता नहीं, गई गाय मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और ये इतना आराम से प्यार करवा रही है, तो नंदी महाराज जी का स्वरूप ही होगा ना यार। देखिए, अरे इतना आनंद आ रहा था कि सोने ही लग गए भाई। सो ही गया, सो ही गए है ना, देखो सोने ही लग गए। ये कितना मजा आ रहा है उनको लाड़ लड़वाने में। यानी मैंने नहीं देखा कि हाँ कि इतना ऐसे प्यार से, यानी कि कोई ऐसे हो कि मेल काऊ या बैल जो जिन्हें आप कहते हैं, इतने प्यार से, यानी डर लगता है लोगों को उनसे, या फिर वो भी इतने पास में किसी इंसान को नहीं आने देते इजीली। बट ये तो मस्त प्यार करवा रहे थे, सो और रहे थे, इनको नींद बड़ी और आ रही थी कि हाँ कि यार प्यार करे जाओ, मैं तो सो रहा हूँ। रोटी खा ली और मस्त, देखिए मस्त लेट रहे। देखो क्या नींद आ रही भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था ना, देख देख के बड़ी मजे आ रही थी इनको देख के। देखो तो ये रख दी गर्दन ही टेक दी नीचे है, फुल नींद के मूड में हमारे नंदी महाराज। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे ये देखिए फुल मूड में सोने के, इनको इतनी मजे आ रही है ना करवाने में प्यार। देखो तो क्या मस्त करवा रहे हैं। और जिम्मी के पापा को भी कितना मजा आ रहा है इनको प्यार करने में। क्योंकि यार ऐसे तो मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि कभी कभी है ना वो गाय है ना क्या करती है ना, ऐसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो बहुत शांत, बहुत भूखी होगी है ये। और पता नहीं कहाँ से आए हैं ये, बस बैठे हुए थे आंगन में, नजर पड़ी तो इनके किस्मत की रोटी भी रखी हुई थी, तो रोटी खिलाई इनको वो बस, और ये लाड़ लड़वाने बैठ गए। देखिए बस चल रहा है इनका, उबासी मार रहा है, आराम से नींद के मूड में आ रहे हैं। देखिए तो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बस भगवान जी लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हाँ भगवान जी बैठे हैं बस। और ये इन्होंने अपना अपना सर जो है वो टिका लिया है नीचे जमीन से, और मस्त मूड में है ये, ऐसा लग रहा है बस सो ही जाएंगे यार। गाइस, कौन कौन आप में से शिव मंदिर या शिवालय में जाता है तो नंदी भगवान के कान में बोलकर अपनी विश मांगता है, बताना मुझे कमेंट करके। और ये भी नंदी महाराज हैं, इनसे भी आप इनके कान में बोल के विश मांग सकते हो, क्योंकि बड़े ही शांति से बैठे हुए आराम से विश मांग सकते हो, और आपकी विश जरूर पूरी करेंगे ये। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ और मूर्तियों में ही बोलो, है ना, आप है ना सीधे नंदी महाराज जी के पास ही बोल सकते हो, तो वो आपकी विश जो वो जल्दी से पूरी कर देंगे बस। जरूरी नहीं है कि आप है ना मंदिर ही जाओ, आप है ना कोई भी गाय जो ऐसी बैठी हो उनको अच्छे से उनको भोजन कराओ, और मस्त उनके कान में बोल दो आपको क्या चाहिए, वो जरूर से देंगे आपको। बस आपकी विश्वास रखने की देरी है, आपके बस विश मांगने की देरी है, और बस ये इनको मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। ये बेजुबान जानवर जो है ना, इनको प्यार चाहिए। आप देखोगे तो आपको इनमें भी भगवान दिखेंगे, इनमें भी नंदी महाराज दिखेंगे, बस आपके देखने की देरी है। हाँ, आप इनको कष्ट पहुँचाओगे, हानि पहुँचाओगे, तो फिर ये भी गुस्सा करेंगे। अगर आप इन्हें प्यार करोगे तो ये भी आपसे प्यार करेंगे, और आपको ये भी बहुत स्नेह, बहुत प्यार देंगे। और ये देखो कि मतलब इनका मतलब इतना प्यार करवाई जा रही है, इतना मज़ा आ रहा था मेरे को देखने में ना। और कि देखो कैसे मतलब देखो इसने ये इसने मुंह उठा लिया गैया ने, और ये फिर प्यार करवा के इतना मुंह टिका ले रही है बार बार कि भाई प्यार करो, मेरे को तो प्यार चाहिए बस, तुम लोग मेरे को परेशान करते हो। और ये देखो खड़े हो गई, ये खड़े हो गई, ये अब अंगड़ाई ले रहे हैं, बस थकान निकल गई है। अरे भाई सुसु आ गई, सुसु करने खड़े हुए भाई साहब।
क्योंकि इतना प्यार करवाने के बाद सुसु तो आएगी ही ना, वो तो किसी को भी आ जाती है। ये तो नेचर्स कॉल है, किसी को भी भाई कभी भी सुसु पॉटी तो किसी को भी आ सकती है, क्योंकि इतना प्यार करवाने के बाद तो यार, यार कितने हैं, कितने सुंदर ना, यानी इनके पैर ऐसे काले हैं, फिर इनकी गर्दन के यहाँ पे थोड़ा काला, फिर थोड़ा ब्राउन, फिर वाइट, कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत मस्त लग रहे थे, सुंदर, और साक्षात ऐसे लग रहा था ना कि नंदी बेल खड़े हैं, मतलब और इनको देख के वो गाना याद आ रहा था मुझे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे शंभो। बस ये गाना गाने का मन कर रहा था और बड़ा मजा आ रहा था इनको देख के, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। देखो भाई चले जा रहे हैं इनका, तो अब खड़े होके भी प्यार करवा रहे हैं और मजा ले कि मतलब हिल जाएं जगह से, मतलब चले जाएं कि भाई बस बहुत हो गया इनको, इतने मजे आ रही है, ना कोई सींग मारना, ना कोई डरना, ना कोई डराना, बड़े प्रेम से शांत, बिल्कुल मतलब इतने शांति से खड़े हुए कि बस जैसे करे जाओ प्यार और मैं करवाए जाऊं, और इतना ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था ना, और ये देखो प्यार करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा हिल जाए ऐसे बोल दे थोड़ा कि बस यार बहुत हो गया प्यार, गर्दन में आगे माथे पे पेट पे सब दूर प्यार करवा रहे भाई ये तो। इतना है कि मतलब यार ये जो बेजुबान जानवर है करो ठीक है, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है, ये प्रेम की भाषा समझते हैं, आप खुद देखिए कितने सुंदर हैं ये, मुझे तो बड़े सुंदर लग रहे थे, और मतलब ऐसा लग रहा था ना ये मेरे को भी बड़े जैसे लग रहे थे, इनका स्किन टोन मतलब सारा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता। पानी पी लो, पी लो और ले रहा हूँ, और लिए पियो, और पियो दा पर, पी लो पी लो पी लो। बैठ जाओ, बैठो तो हैं, बैठ जाओ पी लो पानी। फूल लिया, ये फूल लिया यहाँ पर भी बात पानी, चलो चलो पानी भी कौन मिले था ना, था कि जी दुनिया और थाने पानी कौन मिल रहे थे, क्यों बनाए जे सृष्टि ने, क्यों बनाया जाता है इंसान ने, है इंसान ने क्यों बनाया जाते है, अच्छा इंसान ने धरती जन्म भी क्यों दिया जो थे, हाँ जी नंदी जी मन क्यों तो शरीर साची थे, बात तो बताओ है, मैं दुनिया दिखाऊंगा था कि दस आज से ना, आज दुनिया दिखाऊंगा मैं, दुनिया में मैं ऊंचा बनता फिर रहा ना ये ऊंचा बनता फिर मैं दिखाऊंगा मैं, थे करवा काम तो करो, फिर नेता बन रहे जो बड़ा बड़ा गाड़िया में घूम रहे जो अन्न दान कर रहे जो बड़े दान कर रहे जो नाचनी नचारे जो थे, अच्छा काम था कोड़ी तो ध्यान ही कौन था की दुनिया बनाई डीजे, था कोड़ी ध्यान कौन है, था की दुनिया और था कोड़ी ध्यान कौन दे रहे, लो और पियो आओ बाबा आओ आओ नंदी जी लो पानी पियो।
तो डेली आ जाए बोलो मैं बाबा चिंता मत कर, बिल्कुल भी चिंता मत कर बाबा, तो चिंता मत करो टेंडे रीजो माखनी माखनी रेजी जंगल में ही बाबा, तो चिंता मत करो पानी पी लीजिए मोग ये तसाया मरो यो है कान बंद नाक बंद लोग लगा जो मारला अरे थे भी देवला तो मारे ही लावे तो बोलो त्री तस लाग रही था ने और बड़े मरो तो जाने भी कोने समझे भी कोने मैं बोलता ने बोल बाबा मैंने बहुत बुरा लाग रही जा आज बाबा जाखो जाखो बाबा विचित्रता तो था मजे हम कहे जे इंसान है साड़ा में ये तो खाओ जे निमट दे जे खाओ जे निमट दे जे हम कहे कोने विचित्रता ते तो निमटो जो भी काम आज पेशाब करो जो भी काम आज अर्था नहीं मादर जो जे को ना चिंता मत कर चेला छे बोलेगा चेला छे बाबा चिंता मत कर बाबा चेला चेला जे बाबा बोलेगा चिंता मत कर आज अब अगर तू तन 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 सब काम सही होला तो गाइस ये था हमारा छोटा सा वीडियो, ये थे हमारे नंदी भगवान और ये नंदी भगवान जी ने बहुत सारा प्यार करवाया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल और ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कम से कम जितने लोग इसे देखेंगे तो कम से कम इन बेजुबानों से प्यार करेंगे, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि इनकी सेवा कौन करेगा, इनका ध्यान कौन रखेगा, हम ही रखेंगे। और इससे अच्छा कोई संस्कार नहीं है, इससे अच्छा कोई कोई चीज़ नहीं है इससे अच्छी। और गाइस आप है ना बेल आइकन को भी जो है ना वो ऑल कर देना, जैसे है ना आपको है ना जो वीडियो से वो टर्न करके मिल जाए, फटाफट से घंटी बज जाए और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो एक बार हमारे साथ जयकारा लगा दीजिए, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जय भोले जय जय शंभु जय भोलेनाथ जय नंदी भगवान। तो चलिए आपको मिलते हैं वापस किसी नए वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग रेसिपीज, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारे अच्छे अच्छे मस्ती, बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्कार, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए जिमी एंड मॉमी चैनल पे और देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। और थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।